नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है ऐसी पांच पौराणिक कथाएं जो कार्तिक पूर्णिमा को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाती है। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए जानते हैं कार्तिक मास आरंभ होते ही बहुत से त्यौहार भी शुरू हो जाते हैं। हरि प्रेमियों, कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक मास का आखिरी त्यौहार होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके फिर दान करने से बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा का स्नान 22 नवंबर को किया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान श्री विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा का विधि विधान है। कार्तिक पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व माना गया है, लेकिन इस दिन कई महत्वपूर्ण कथाएं जुड़ी हुई है जो इस पर्व को और भी खास बनाती है। नंबर एक, मत्स्य अवतार। भगवान श्री विष्णु पुराण के मुताबिक जिस दिन भगवान श्री विष्णु ने अपने 10 अवतारों में से पहला अवतार लिया था वह मत्स्य अवतार था। वह कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन ही लिया था। जल प्रलय के समय पूरी पृथ्वी जब जल मगन हो गई थी तब भगवान श्री विष्णु ने मछली का अवतार यानी मत्स्य अवतार में प्रलय काल के दौरान वेदों बीजों और सूक्ष्म जीवों की रक्षा की थी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान श्री विष्णु के मत्स्य अवतार लेने के कारण वैष्णव मत इस पूर्णिमा को विशेष महत्व देते हैं। इसका विशेष महत्व है। नंबर दो, त्रिपुरासुर का अंत। कार्तिक पूर्णिमा शिव के उपासक भगवान शिव के उपासक जो लोग हैं उनके लिए यह विशेष महत्व रखती है। शिव मत के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का संहार किया था, जिसके कारण उनका नाम त्रिपुरारी भी पड़ गया था। त्रिपुरासुर का अंत होने के बाद पुनः धर्म की स्थापना हुई थी, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली के रूप में भी मनाई जाती है, जो इस पूर्णिमा की और भी ज़्यादा विशेष बनाती है, खास बनाती है। नंबर तीन, गुरु नानक देव जी का जन्म। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही सिख धर्म के आदि गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म भी हुआ था, इसलिए सिख धर्म के लिए कार्तिक पूर्णिमा का दिन बहुत ही विशेष महत्व वाला दिन होता है। हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही गुरु नानक जयंती मनाई जाती है, जिसे प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। नंबर चार, देवी तुलसी को इस दिन वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई थी। हरि प्रेमियों, देवी तुलसी का नाम पहले वृंदा था। वे भगवान श्री विष्णु की बहुत ही परम भक्त थी। उनका विवाह जलंधर नामक राक्षस से हुआ था। वृंदा के पतिव्रत के कारण उसे यानी जालंधर राक्षस को मारना असंभव था। तब भगवान श्री विष्णु ने वृंदा के पतिव्रत धर्म को खंडित करने के लिए वृंदा का सतभंग किया था, जिसके कारण जलंधर की मृत्यु हो गई थी। क्रोधित होकर वृंदा ने भगवान श्री विष्णु को पत्थर का हो जाने का श्राप दिया। उसके बाद वे सती हो गई और उनकी राख से तुलसी का पौधा उपज गया। देवी तुलसी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप शालिग्राम से किया गया। शालिग्राम और तुलसी का विवाह देव उठनी एकादशी के दिन किया जाता है। उसके बाद कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को तुलसी को वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ था। नंबर पाँच, जब महाभारत का युद्ध
समाप्त हुआ तो कौरवों और सगे संबंधियों की मृत्यु के कारण पांडवों के को बहुत ही दुख और ग्लानी हुई। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से उनकी आत्मा की शांति का उपाय पूछा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के पितरों की शांति के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की कृष्ण अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक की यह विधि बतलाई थी कि अगर आप इस समय पिंडदान करोगे तो आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण।